तो है वो। श्री हरि नारायण की शैया पर ये अवतारी पुरुष कौन है? पहचान लिया मैंने, पहचान लिया। पुत्र परशुराम, तुम यहाँ? यही तो है वो जिन्होंने मुझे मेरी भूल का आभास करवाया था। हे प्रभु, अर्थात मेरे समकक्ष स्वयं प्रभु नारायण के अवतार में परशुराम जी खड़े हैं। प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया, मेरा उद्धार कीजिए प्रभु, मेरा उद्धार कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए प्रभु, मेरा उद्धार कीजिए। अजिगर्द, ये तो मेरा पुत्र परशुराम है। हा? ये आपके पुत्र परशुराम हो सकते हैं, किंतु मेरे लिए तो स्वयं साक्षात नारायण के अवतार है। हाँ प्रभु, मेरा उद्धार कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए प्रभु, मेरा उद्धार कीजिए। पुत्र परशुराम, ये मेरे परम मित्र अजगर्थ हैं, भूलवश इनसे गौत्या हो गई है, उसी का ये पाप लगा है ने। मुझे इस पाप से छुटकारा दिलाइए प्रभु। उठिए, गौ हत्या के इस पाप से आपको मैं मुक्ति नहीं दिला सकता। हाँ, अपितु केवल महादेव वही आपको इस पाप से मुक्ति दिला सकते हैं। जाइए, जाके उनकी तपस्या कीजिए और उन्हें प्रसन्न कीजिए। जो आज्ञा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, मैं भोलेनाथ जी को प्रसन्न करूंगा। जब आप प्रसन्न हो गए तो भोलेनाथ जी भी प्रसन्न हो ही जाएंगे। मुझे आज्ञा दे प्रभु, मुझे आज्ञा दे। भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी, मैं आ रहा हूँ, आपकी शरण आ रहा हूँ मैं भोलेनाथ जी। स्वामी, आपके भक्त परशुराम के तो कई रूप हैं। हाँ देवी, नारायण के अविश अवतार परशुराम को इतनी सरलता से नहीं समझा जा सकता, वो संपूर्ण में भी एक रहस्य है। जिनके गुरु स्वयं शिव हो वो तो रहस्यमय होंगे ही ना स्वामी। किंतु अच्छी बात तो ये है देवी कि परशुराम के जन्म का उद्देश्य अब सफल होना आरंभ हो गया है। वो एक हाथ से शत्रुओं का संहार करते हैं तो दूसरे हाथ से आम जनों का कल्याण भी करते हैं। अर्थात शस्त्र और शास्त्र का समन्वय बनते जा रहे हैं परशुराम। होना तो यही चाहिए था देवी, किंतु विधि का विधान तो कुछ और ही है और विधि के विधान को कोई मिटा नहीं सकता। अर्थात अर्थात एक महासंकट ऋषि जमदग्नि के आश्रम में पहुंचने वाला है, उससे परशुराम का जीवन सदा के लिए बदल जाएगा।
पूजा की सामग्री तैयार है गुरु माँ। हाँ चलो। अरे गौ माता, हम कहीं नहीं जाएंगे, बस अभी पूजा करके लौट आएंगे। मेरा मन इतना अशांत क्यों हो रहा है? मुझे आश्रम लौट जाना चाहिए। आज हमारी गौ माता इतनी अशांत क्यों हो रही है? अनुज, परशुराम को स्मरण कर रही होगी और क्या? ऐसा आभास हो रहा है जैसे कुछ कहना चाहती हो। जमदग्नि, नेत्र खोल के ध्यान से देख, अपने पिता का प्रतिशोध लेने कौन आया है? पता नहीं मुझे बार बार अनिष्ट के संकेत क्यों मिल रहे हैं। मेरा हृदय भी बैठा जा रहा है। मुझे आश्रम से बाहर आना ही नहीं चाहिए था। स्वामी, ये क्या हो गया स्वामी? कुछ तो बोलिए।
कामधेनु माता, कामधेनु के स्वर में यह विलाप कैसा? कहीं कुछ अप्रिय घटना तो नहीं घटी? स्वामी, जब आप ही नहीं रहे तब मैं संसार में रहकर क्या करूंगी? हे अग्निदेव, मैं जमदग्नि पत्नी रेणुका अपने सतीत्व के लिए आपका आवाहन करती हूं। वाह!
ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया देव। इससे भी बड़ा अनर्थ अब होने वाला है। रेणुका चमदग्नि पुत्र परशुराम अपने ब्रह्म सूत्र की सौगंध खाकर आज यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब तक सहस्त्रबाहु और उसके है वंशियों का मैं पृथ्वी से संघार न कर दूं तब तक शांत नहीं बैठूंगा। दुष्ट राजपुत्र के द्वारा एक ऋषि परिवार की हत्या, ये तो महापाप है प्रभु। ऐसे पाप अक्षम में होते हैं। सहस्त्रबाहु के रक्त ने आज वो कर दिया जो कभी भूला नहीं जा सकता। भूलों का ये कैसा विधान है प्रभु, जहां एक और एक व्यक्ति हत्यारा अत्याचारी अतताई बनकर आनंद मनाता है, तो वही दूसरी ओर सत्य के पथ पर चलने वाले व्यक्ति आंसू बहाते हैं। जिस भूलोक पर मानव काम करता है वहां पाप और पुण्य का फल भी भुगतता है देवी, किंतु एक उचित समय आने पर ये पूरी सृष्टि एक काल चक्र से बंधी है, उससे बाहर कोई नहीं, स्वयं मैं भी नहीं। अतः जिस प्रकार सहस्रबाहु ने अपने पापों का दंड भोगा है उसी प्रकार सहस्रबाहु के पुत्रों को भी अपने पापों का दंड भोगना ही होगा। किंतु प्रभु इस समय मुझसे परशुराम का दुख देखा नहीं जा रहा, उनका तो संपूर्ण परिवार ही उजड़ गया प्रभु। सुदर्शन चक्र का प्रणाम स्वीकार करें महादेव। प्रणाम माता। कहिए सुदर्शन देव, आज आप अकस्मात यहाँ कैसे? आपसे क्या छिपा है प्रभु, समझाइए परशुराम को, अन्यथा वो है वंश के क्षत्रियों का संहार करके ही मानेंगे। उनकी प्रतिज्ञा रक्त वर्षा कर रही है, धरा लाल हो चुकी है, नरमुंडो का पहाड़ बन चुका है, आपका दिया फरसा काल का गाल बन गया है प्रभु। आप रोके तो वो रुके, अन्यथा हरि के इस अवतार के हाथों प्रलय आ ही गया समझिए। अब बहुत विलंब हो चुका है सुदर्शन जी, वैसे समझाने तो आप भी गए थे ना सहस्त्रबाहु को, किंतु उस समय यदि अपना अहंकार त्याग कर मान जाते तो आज स्थिति इतनी जटिल नहीं होती। इस संसार में त्रिदेव से भी बड़ी शक्ति माँ है, उसी माँ को परशुराम से छीन लिया गया है,
तब आपका हाथ है। आपको तो ज्ञात होगा ही सुदर्शन देव कि जिस प्रकार श्राप और वरदान दोनों की मर्यादा होती है, उसी प्रकार प्रतिज्ञा की भी मर्यादा होती है। अब परिणाम जो भी हो, परशुराम की प्रतिज्ञा को टाला नहीं जा सकता।